All right, so hey, what's up everybody? This is Ajay Shinde back into the game with new video. दोस्तों finally हमारे पास आ गई है Firebolt की Solace Smartwatch. तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे इसका full detail review और आज के इस वीडियो के एंड तक आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपको इस स्मार्ट वॉच के लिए जाना चाहिए या नहीं. So without wasting time, let's get started. सबसे पहले देखते हैं इस पूरे बॉक्स का ओवरव्यू. वॉच ओवरव्यू की अगर बात करें तो यहाँ पर मैं फ्रंट में Firebolt Solace का एक्चुअली इमेज देखने को मिल जाता है. हल्के फुल्के फीचर्स यहाँ पर आप देख सकते हो. बैक साइड में यहाँ पर हमें कई सारे फीचर जो है देखने को मिल जाते हैं. अभी बात करते हैं बॉक्स कंटेंट्स की. तो सबसे पहले हमें देखने को मिल जाती है हमारी स्मार्ट वॉच, यूजर मैनुअल, मैग्नेटिक चार्जिंग केबल और डॉक्यूमेंटेशन हमें देखने को मिल जाते हैं. बिल्ट और डिजाइन की अगर बात करें तो यहाँ पर हमें प्रीमियम मेटेलिक फ्रेम जो है वो देखने को मिल जाती है. यहाँ पर ना आपको टेचीमेट्रिक स्केल भी देखने को मिल जाती है. स्टेनलेस स्टील के स्ट्रैप्स दिए गए हैं. बैक साइड में भी यहाँ पर ना इसका लुक काफी किलर है. बात करते हैं डिस्प्ले की. तो दोस्तों यहाँ पर हमें 1.32 इंचेस का HD डिस्प्ले जो है वो देखने को मिल जाता है. 360x360 का पिक्सल रेजोल्यूशन है. काफी अच्छी डिस्प्ले की क्वालिटी हमें देखने को मिल जाती है. और हाँ, ये जो क्राउन है ना वो वर्किंग क्राउन होने वाला है जिसके वजह से यहाँ पर आप मेन्यू वगैरह जो है वो नेविगेट कर सकते हो. तो अभी फटाफट से देखते हैं इस पूरी स्मार्ट वॉच का यूजर इंटरफेस. वॉच यूआई की अगर बात करें तो जैसे आप टच और होल्ड करोगे यहाँ पर आपको डिफरेंट वॉच फेसेस जो है वो देखने को मिल जाएंगे. साथ ही साथ यहाँ पर आप कस्टम वॉच फेसेस भी सेट कर सकते हो. ऊपर से नीचे स्वाइप करते ही यहाँ पर आपको पूरा कंट्रोल सेंटर जो है वो देखने को मिल जाएगा. सेटिंग्स की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले में ब्राइटनेस, स्लीप टाइम यहाँ पर आपको 30 सेकेंड्स का देखने को मिल जाता है जो कि काफी अच्छी बात है. वॉच फेसेस में यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया मेन्यू व्यू में यहाँ पर आपको 8 डिफरेंट स्टाइल्स के मेन्यू व्यू जो है वो देखने को मिल जाते हैं. उसके नीचे यहाँ पर आपको रेस्ट टू वेक का भी ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाता है. वाइब्रेट एंड रिंग में यहाँ पर आप मोड और इंटेंसिटी सेट कर सकते हो. डू नॉट डिस्टर्ब लो पावर मोड, फोन कनेक्शन सिस्टम में यहाँ पर आपको रिस्टार्ट पावर ऑफ रीसेट और उसी के नीचे अबाउट डिवाइस का ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाता है. नीचे से ऊपर स्वाइप करते यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन अलर्ट जो है वो देखने को मिल जाएंगे. तो यहाँ पर आप लगभग 3 लाइंस के नोटिफिकेशन जो है वो पढ़ सकते हो. राइट से लेफ्ट स्वाइप करते यहाँ पर आपको विजिट जो है वो देखने को मिल जाएंगे. एक्टिविटी ट्रैकिंग, स्लीप मॉनिटरिंग, हार्ट रेट मॉनिटरिंग, SPO2 मॉनिटरिंग, वेदर फोरकास्ट और वापस हम आ जाएंगे होम पेज के ऊपर. लेफ्ट से राइट स्वाइप करते ही हमें मेन मेन्यू जो है वो देखने को मिल जाएगा. तो दोस्तों Firebolt Solace के मेन मेन्यू की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको एक्टिविटी, स्लीप, हार्ट रेट, फोन कॉल, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज रिकॉर्ड, SPO2, वेदर, मैसेज, शटर, प्लेयर, रिलैक्सेशन टाइमर, अलार्म क्लॉक में यहाँ पर दोस्तों आप अलार्म यही से ऐड कर सकते हो. आपको एप्लीकेशन में जाने की कोई भी जरूरत नहीं है. उसके नीचे स्टॉप वॉच, साइकिल ट्रैकिंग, AI वॉइस असिस्टेंट, फाइंड माय फोन, कैलकुलेटर, गेम्स और वापस से हमें सेटिंग्स और अबाउट के ऑप्शन जो है देखने को मिल जाते हैं. यूजर इंटरफेस की अगर बात करें तो दोस्तों यहाँ पर ना थोड़े बहुत चेंजेस जो है वो किए गए. टच रिस्पॉन्स वगैरह ना काफी बढ़िया यहाँ पर दिया गया है. अभी बात करते हैं इस वॉच के हाईलाइटिंग फीचर्स की. तो यहाँ पर ना आपको डायल पैड वगैरह मिल जाते हैं. नंबर वगैरह डायल करके यहाँ पर आप ब्लूटूथ कॉलिंग का मजा जो है वो ले सकते हो. मराठी मध्ये माहिती साठी एक दाबा, हिंदी में जानकारी के लिए दो दबाए. AI वॉइस असिस्टेंट दिया गया है. यहाँ पर आपको म्यूजिक कंट्रोल के साथ साथ आपकी ही वॉच के ऊपर ना म्यूजिक वगैरह भी सुन सकते हो. इसका एक डेमो आप देख सकते हो. और इतना ही नहीं, यहाँ पर 2 इनबिल्ट गेम्स भी दिए गए हैं. 2048 और दूसरा है फ्लाईबर्ड. तो आप थोड़ा बहुत टाइम पास कर सकते हो. साथ ही साथ इनबिल्ट कैलकुलेटर भी दिया गया है. अभी बात करते हैं हेल्थ फीचर्स की. तो यहाँ पर ना आपके हार्ट रेट मॉनिटरिंग की जाएगी, SPO2 मॉनिटरिंग, स्लीप मॉनिटरिंग, ब्रीथ मोड यहाँ पर दिया गया है. फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग का भी सपोर्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा. स्पोर्ट्स मोड की अगर बात करें तो 120 प्लस स्पोर्ट्स मोड जो है वो देखने को मिल जाएंगे. इन्हें ग्रुप्स में कैटेगराइज भी किया गया है. अभी बात करते हैं वाटर रेजिस्टेंस की. तो ये जो पूरी स्मार्ट वॉच है ना वो IP67 रेटेड वाटर रेजिस्टेंट होने वाली है. मतलब पानी के हल्के फुल्के स्प्लैशेस ये इजीली सह सकती है. अभी आते हैं बैटरी के ऊपर. तो दोस्तों यहाँ पर आपको 230 mAh की बैटरी कैपेसिटी जो है वो देखने को मिल जाती है जिसके वजह से यहाँ पर आपको अराउंड 5 डेज का बैटरी बैकअप इजीली देखने को मिल जाएगा. तो अभी आते हैं फाइनल कंक्लूजन के ऊपर. तो दोस्तों इसका स्पेशल लॉन्च प्राइस है 1999 रुपीज़. और दोस्तों इस प्राइस पॉइंट में ना यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी प्रीमियम बॉडी जो है वो देखने को मिल जाती है. ब्लूटूथ कॉलिंग का सपोर्ट है, डिस्प्ले इसका ज़बरदस्त है, साथ ही साथ स्पीकर की क्वालिटी ना एकदम बढ़िया है और हेल्थ फीचर्स आपको ऑलमोस्ट सारे ही देखने को मिल जाते हैं. तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपका बजट 2000 तक है तो ये ना सबसे बेस्ट स्मार्ट वॉच है अंडर 2000 रुपीज़.
आप ना आंखें बंद करके इसके लिए जा सकते हो, गारंटी मैं लेता हूँ। तो बस दोस्तों अगर आप इसे परचेस करना चाहते हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बस दोस्तों यही था आज की वीडियो में, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करो, चैनल बने हो तो सब्सक्राइब करो। टिल देन बाय बाय, दिस इज अजय शिंदे ओवर एंड आउट।